विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस से पार्टी हाईकमान ने कुछ अहम रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन विधानसभा चुनाव की कमान अब प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है। इसी बीच देखा जाए तो प्रियंका गांधी को लेकर कयासों का दौर भी जारी है और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। लेकिन इसी बीच यहां पर प्रियंका को बेहद बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बीते कल ही बड़ी खबर सामने आई कि अब प्रभारी पद से उन्हें हटाया जाएगा और यूपी का प्रभारी अब हरीश रावत या फिर तारिक अनवर को बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी को लेकर यही दावा किया गया है कि इस पद से उन्हें इस वजह से हटाया जा रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों की कमान उन्हें सौंपी जा सके। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने जीत दिलाई तो वहीं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उनकी एक्टिवनेस के जरिए यहां पर कांग्रेस को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। महिला वोट बैंक को बढ़ावा दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी से वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जो डंके की चोट पर बार बार अपनी बात रख रहे हैं और उनका कहना यही रहा है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए प्रियंका गांधी को अगर आगे किया जाता है तो वही एक ऐसी नेता हैं जो देश के प्रधानमंत्री को एक बेहद बड़ी चुनौती देने में सफल हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम पद का चेहरा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे चेहरा बनती हैं तो पीएम मोदी को हम हरा पाएंगे। राहुल गांधी की भूमिका पर उनका कहना रहा कि वो संत की भूमिका में है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद ठुकराया है और साथ ही उन्होंने कहा यूपी में कांग्रेस को मजबूत के लिए रणनीति बनाएंगे। विपक्षी एकता पर उनका यहां पर कहना रहा कि विपक्षी एकता हो रही है, यूपी में अखिलेश यादव साथ आएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना रहा कि हमें उम्मीद है प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी में से एक को चुनना होगा। अखिलेश यादव प्रियंका गांधी के साथ नहीं आए तो जाहिर सी बात है वे मोदी के साथ हैं। तो अब देखा जाए यहां पर उनका कहना साफ तौर पर रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं और मेरी राय में प्रियंका गांधी का चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने में सफल हो सकता है। तो ऐसे में देखा जाए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो किसी महाभारत से कम नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहता है अब विपक्ष कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन की तैयारी में भी कांग्रेस जुटी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष की यहां पर अहम रणनीतियां हैं प्रियंका को आगे करना। दूसरी ही तरफ प्रियंका को लेकर रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है और रायबरेली का दौरा बार बार कर रही हैं स्मृति ईरानी। देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी इन तमाम बड़ी चुनौतियों का कैसे सामना करती हैं और क्या वाकई में वह जीत दिला पाएंगी इस बार पार्टी को, क्योंकि यहां पर यही कहा जा रहा है कि वह रायबरेली या फिर अमेठी से मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।